हाय फ्रेंड, मेरे पास आई है टावेरो सेरोलेंट, जिसकी करने वाले हैं वाटर पंप रिप्लेसमेंट। तो दिखाते हैं किस प्रोसेस से वाटर पंप रिप्लेसमेंट होगा। ये देख सकते हो इसमें प्ले हो गई है, जो कि इसमें नॉइस आ रही थी गट गट की। इसके लिए आपको ये 10 mm के बोल्ट खोलने होंगे, जो कि 3 बोल्ट हम पहले से खोल चुके हैं, और इसे स्क्रू ड्राइवर लगा के आपको ये बोल्ट लूज करके लेने होंगे, जिससे फैन निकल जाएगा बाहर। ये मैंने खोल दिए, इसमें 4 बोल्ट आते हैं 10 mm के। फिर आपको ये मैग्नेटिक फैन आता है, इसमें आपको ये मैग्नेट बाहर निकाल लेना होगा। बड़े केयरफुल तरीके से ये मैंने फैन निकाल दिया बाहर। इसमें मैग्नेटिक सिस्टम होता है, इसके 4 बोल्ट लगते हैं इधर से, और ये देख सकते हो। फिर इसकी ये वाटर पंप की पुली निकाल देनी होगी आपको। ये मैंने पुली निकाल दी वाटर पंप की, जो कि ऐसे फिट होती है। उसके बाद में लगता है इसके ऊपर मैग्नेट, ये देख सकते हो इसमें प्ले हो गई थी बहुत। इसके लिए आपको ये बोल्ट खोलने होंगे, 12 mm के कुछ बोल्ट आते हैं, ये आपको खोल के लेने होंगे। बारह एम एम के स्पिनर से खुलेंगे। जो कि ये मैंने सब लूज करके लेने होंगे पहले आपको। जो कि इसके हमने 5 बोल्ट खोल दिए हैं, और कुछ इस तरीके के ये बोल्ट होते हैं 12 mm के, खोल दिए, और 2 स्टड होते हैं सेंटर के लिए। बोल्ट खोलने के बाद निकालने वाले हैं बाहर, थोड़ी हैमर की मदद से निकालनी होगी। ये वाटर पंप मैंने निकाल दिया है, इसका बेयरिंग टूट गया था, इसमें ये आवाज़ आ रही है। इसको हम न्यू रिप्लेसमेंट करते हैं, और इसमें ये एक ओ रिंग लगी हुई होती है, जो कि लीकेज होने से रोकती है, जिसका पानी लीकेज नहीं होता है। ये ओ रिंग है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस पोजीशन में लगती है, जिसमें 2 बोल्ट स्टेड लगे होते हैं, जो कि सेंटर के लिए। ये हम लेके आए मिको कंपनी की वाटर पंप, जो कि हम अब इसमें लगाने वाले मिको कंपनी का वाटर पंप।
इसमें ये ओरिंग आती है साथ में कंप्लीट, और ये इसका वाटर पंप जो कि आप देख सकते हो एकदम कंप्लीट है। और इसमें ये स्टैंड इसके खोल के इसमें लगाने होंगे, ये आप देख सकते हो स्टैंड, ये स्टैंड आपको खोलने होंगे चारों और इसके ऊपर कसने होंगे। और इसमें कोई पिले विले नहीं है, एकदम कंप्लीट है। और इसको करने वाले हम रिफ्लेक्स, मिको कंपनी की लगाएंगे वाटर बॉडी। और ये ओरिंग देख सकते हो आप, ये इस तरीके से लगेगी ओरिंग यहाँ पे, जो कि इस वाटर पंप में ये कट दिया होता है। इसमें हल्का हल्का सा हम लगाएंगे मेकर, ये ट्यूब सिलिकॉन, ये भी लीकेज रोकने के लिए काम करती है, जो कि इसे लीकेज न होने का लिए काम आती है। आपको ये सिलिकॉन लगा दे के लेनी होगी। फिर आपको लगा देनी है ये ओरिंग, इस तरीके से आपको लगा के लेनी होगी। ये अपने कंप्लीट सिलिकॉन लगा दिए। सिलिकॉन लगाने के बाद में जहाँ पे ये वाटर पंप लगता है वहाँ पे गैसकेट एकदम साफ करना होगा फ्रेश, जो कि हमने पहले से साफ कर दिए। और अब ये करने वाले रिप्लेसमेंट लगाने वाले नई, जो कि इस तरीके से लगेगी, आपको यहाँ से ले लेनी नीचे। और ये देख सकते हो इसमें सेंटर के लिए दो स्टड दिए गए हैं, इसमें दोनों स्टड में आपको लगा के लेनी होगी। ये एकदम कंप्लीट लग गई है। और आपके सामने ये 12 mm के बोल्ट कसने वाले हैं इसमें, जो कि इसके बोल्ड स्टेप बाई स्टेप आमने सामने कसने हैं, क्योंकि एल्युमिनियम में टूटने का बहुत चांस रहता है। हल्के हल्के हाथ से सब बोल्ड आमने सामने फ्रेश करने होंगे। बड़ी सेफ्टी के साथ इसके बोल्ड टाइट करने होंगे, अगर एक साइड के ज़्यादा एक साइड के कम टाइट हो गए तो ये टूट जाएगी वाटर बॉडी, क्योंकि एल्युमिनियम का है इसलिए टूटने का बहुत चांस रहता है। एल्युमिनियम के ज़्यादा बोल्ट टाइट नहीं करने चाहिए, प्लेट टूटने का डर रहता है इसमें। एक बोल्ट लगता है यहाँ पे नीचे, ये आमने सामने आपको फ्रेश करने होंगे। उसके बाद आपको लगा देना होगा ये वाटर बॉडी की पुली, कुछ इस तरीके से लगेगी ये, चारों नटों में इसको बिठा देनी होगी कंप्लीट।
इस तरीके से बिठा देंगे ये आपको कंप्लीट। उसके बाद में ये लगेगा मैग्नेट। ये ऐसे लग जाएगा मैग्नेट कंप्लीट। इसके बाद में ये 10 mm के आपको 4 बोल्ट कसने होंगे इसके। तो फ्रेंड हमने कंप्लीट वाटर बॉडी लगा दी है, जो कि देख सकते हो कोई पिले विले नहीं है, और पानी टॉप अप कर दिया, कोई लीकेज विकीज नहीं है। सबसे पहले आपको लीकेज चेक करनी होगी, कोई लीकेज नहीं है। ये जो पानी दिख रहा है ऊपर, ये डालते वक्त पड़ा है ऊपर, इसलिए ये पानी है, बाकी लीकेज विकीज नहीं है, कम्प्लीट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।